नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज संविदा वर्ग एक से जुड़ी हुई जानकारी। संविदा वर्ग एक अभी एग्ज़ाम होने वाली है, तो वो एग्ज़ाम की हम तैयारी किस तरह से करें, बायोलॉजी के हिसाब से उसका क्या सिलेबस होगा और हम उस नौकरी को किस तरह से हासिल करें, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो संविदा वर्ग एक की एग्ज़ाम है वो 29 दिसंबर 2018 से शुरू होने वाली है। उसकी एग्जैक्ट डेट तो अभी आई नहीं है, पर उसके बारे में जो जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें परीक्षा का समय 2.5 घंटे का होगा और उसमें जो कुल पूर्णांक होगा वो 150 का होगा। 150 को दोस्तों इन्होंने दो भागों में बांटा है, भाग अ और भाग ब। भाग अ मतलब भाग एम बोल सकते हैं आप जिसे। भाग अ में 50 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुविकल्पीय रहेंगे, मतलब आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो 50 नंबर आपके जो सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक आंकिक योग्यता, पेडागोलॉजी, इन सारे को मिला के 50 नंबर इनके होंगे। पर जो बाकी का रेस्ट 100 नंबर है, 100 नंबर है, 100 पूर्णांक है, वो आपका आपके विषय से संबंधित होगा जो अभी आपका विषय है। तो मैं आज आपको बायोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी के मेन टॉपिक हम क्या ऐसे तैयारी करें जिससे हम उस नौकरी को हासिल कर सकें। तो देखिए, आपके सामने ये जो बायोलॉजी का मैंने ओपन कर रखा है पाठ्यक्रम, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जैव विविधता, जैव जगत में विविधता। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो ये जो सजीव क्या है, जैव विविधता है, इसमें काफ़ी टॉपिक दिए हुए हैं। पर जो मेन टॉपिक है इसमें, मैं जो समझता हूँ जो पुराने पाठ्यक्रम, पुरानी जो एग्ज़ाम के हिसाब से, वो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जीवों का संरचना संगठन, इसमें आप साइमोज और रेमोजोन, ये इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो जड़, तना, पत्ती, ये वाली चीज़ें काफ़ी पूछने में आती है। कोशिका संरचना और कार्य जो तीसरा पॉइंट है, इसमें जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका, वनस्पति कोशिका को पादप कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, तो ये वो भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका आता है पादप कार्य की, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पौधों में परिवहन, पानी, गैसों, इस तरह के काफ़ी टॉपिक है जहाँ पे जो ये है काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मानव कार्य, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एक्चुअली जो जनरल चीज़ें होती है, जो अक्सर पैटर्न रहा है कि जनरल चीज़ों को ज़्यादा पूछा जाता है कि जिस तरह से पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, ये चीज़ें जो जनरल बॉडी में होती है, ये चीज़ें ज़्यादा पूछने में आती है। आपका श्वास और श्वसन, शारीरिक तरल पदार्थ और परिसंचरण, फिर उसके बाद उत्सर्जित उत्पादन, प्रजनन जीवों में, तो ये इस तरह से आपका जो है ये सिलेबस पूरा दिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है सिलेबस तो आप कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं। और अगर जो है आप इस सिलेबस के चीज़ें जो है कुछ अगर जानना चाहते हैं, तो हमने हमारे YouTube चैनल पे उनके कुछ वीडियोस बना रखे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण हुआ, प्रतिरक्षीकरण हुआ, टीका हुआ, लाइजोसोम, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इसमें अंतर, इसमें समानताएं, एंटीऑक्सीडेंट, बाइनरी विखंडन, तो ये सारे टॉपिक आपको आसानी से हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी से कुछ मदद मिली होगी। धन्यवाद।